हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी। और मैं हूं डॉक्टर नीरज। सियाटिका या बैक पेन के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें कोर्स ऑफ पेन बैक से लेकर लेग तक होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बैक में ज़्यादा पेन रहता है, कुछ पेशेंट्स को हिप में ज़्यादा पेन रहता है और कुछ पेशेंट्स में काफ में ज़्यादा पेन रहता है। इस तरह से अलग अलग पेशेंट्स में पेन का प्रेजेंटेशन अलग अलग रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सियाटिका पेन को रिलीव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैजिकल टेक्निक बताने जा रहा हूँ। इस टेक्निक को बॉल टेक्निक कहा जाता है और इस टेक्निक को अप्लाई करने से सियाटिका और बैक पेन के पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हुए देखे गए हैं। इसलिए वे लोग जिनको कि सियाटिका पेन की प्रॉब्लम है वे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सियाटिका पेन से रिलीव होने के लिए और सियाटिका पेन को फिक्स करने के लिए आपको किस तरह से इसे अप्लाई करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक टेनिस बॉल लेनी है जो स्लाइटली हार्ड हो, और इस बॉल को आपको जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है आपको अपने हिप के नीचे प्लेस करना है। पर्टिकुलर उस पॉइंट पर इस बॉल को प्लेस करना है जहां पर आपको ज़्यादा नैगिंग पेन होता है, जहां पर आपको ऐसे लगता है कि पर्टिकुलर इस जगह पे दबाने से आपको रिलीफ मिलता है। या कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पर्टिकुलर इस जगह पे एक शूटिंग पेन सा होता है, सुई जैसी चुभन होती है, तो आपको उस जगह पर इस बॉल को प्लेस करना है। अब धीरे धीरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपको मूव करना है और इस बॉल से रोलिंग करनी है। इस रोलिंग मूवमेंट से आपको बॉल से अपने हिप में मसाज करनी है। पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड करनी है और फिर उसके बाद में लेफ्ट टू राइट करनी है। धीरे धीरे इस बॉल से आपको मसाज करनी है। इस मसाज को आपको लगभग 30 टू 60 सेकंड तक करना है। अगर आपकी बैक में ज़्यादा पेन होता है तो आप इस बॉल को बैक में भी प्लेस कर सकते हैं और उसी तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मसाज कर सकते हैं, और उसके बाद में लेफ्ट और राइट आपको मसाज करनी है। इस मसाज को अगर आप दिन में 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपके सियाटिका पेन को फिक्स करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि सियाटिका पेन के पेशेंट्स में ग्लूटियल मसल जो कि हमारे हिप के मसल्स होते हैं उनमें टेंडरनेस आ जाती है, वो मसल टाइट हो जाते हैं और उन टाइट मसल्स के बीच में जो नर्व है वो ट्रैप हो जाती है और उसकी वजह से भी कई बार पेन बढ़ा हुआ रहता है। तो जैसे ही आप इस मसाज को अप्लाई करते हैं ये ना केवल उस मसल को रिलीज करती है बल्कि साथ ही साथ नर्व को भी ईजी करने में ये बहुत हेल्पफुल होती है। इसलिए वे पेशेंट जिनको सियाटिका या बैक पेन की प्रॉब्लम है वे इस मसाज को अगर अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि वे लोग जिनको इस तरह की दिक्कत है वे इस मसाज से ज़रूर बेनिफिट लेंगे। आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपको इस मसाज से कितना बेनिफिट मिला। इसके अलावा और भी क्वेश्चन या क्वेरीज के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के ज़रूर आंसर दूंगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। गुड बाय।